दोस्तों, अगर आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला देखने के लिए उत्साहित हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आखिरकार लंबे इंतजार के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला रोहित शर्मा की कप्तानी में शुरू हो चुका है। रिंकू सिंह को भी मौका मिला है। आखिर क्या भारत की टीम है मैदान पर? रिंकू सिंह ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर जड़ दिए कितने रन, क्या चल रहा है स्कोर, सब आपको वीडियो में वो भी लाइव दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में से पहला वनडे मैच कौन सी टीम जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया चिर प्रतिद्वंदी टीमों में से एक है, और जब भी इन दोनों टीमों के बीच वनडे या फिर T20 श्रृंखलाएं होती है तब एक हाई वोल्टेज मुकाबला ही खेला जाता हुआ नजर आता है। और अब मौका आ चुका है जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा कर यह 3 मैच की वनडे सीरीज अपने नाम करे। और दोस्तों, इस मुकाबले में हर किसी को रिंकू सिंह के डेब्यू का भी इंतजार था, और आखिरकार वनडे में भी उनका डेब्यू अब होने जा रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह 3 मैच की एक दिवसीय सीरीज भारत के ही मैदानों पर खेली जा रही है। और दोस्तों, पहला वनडे मुकाबला आप सभी को पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाता हुआ नजर आएगा। और दोस्तों, अगर आपको मैच की जानकारी से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे के हेड टू हेड आंकड़ों के बारे में बताएं, तो दोस्तों अगर आप यहां पर देख सकते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल मिलाकर ओडीआई क्रिकेट में 146 मुकाबले खेले गए हैं। और आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि 146 मैच में से भारत ने मात्र 54 मैच जीते हैं और 82 मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीत हासिल की है। तो इन आंकड़ों से तो सीधा अनुमान यही लगाया जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के खिलाफ अगर वनडे सीरीज जीतना चाहे तो वो आसानी से जीत सकती है और यहाँ पर भारतीय टीम को हराने का दमखम भी रखती है। लेकिन दोस्तों, अब टीम इंडिया में ऐसे मजबूत खिलाड़ी आ गए हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को किसी भी हाल में जीतने नहीं देंगे। भले अंतिम ओवर में अगर 30 रन भी भारत को जीतने के लिए चाहिए होंगे, तो अब रिंकू सिंह मैदान पर आकर बड़े शॉट खेलकर यहाँ अंतिम एक ओवर में 30 रन बनाने का भी दमखम रखते हैं। और अब दोस्तों, अगर मैच के बारे में आपको बताते हुए चले तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अगर आप पहला वनडे मुकाबला लाइव अपने टेलीविजन पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों यह मुकाबला आप सभी को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के चैनल्स पर दिखाया जा रहा है। और अगर आपको मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर दिखाई जा रही है, जहां आप सभी हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, तेलुगु जैसी अन्य विभिन्न भाषाओं में इस मुकाबले का आनंद उठा सकते हो। वहीं दोस्तों, आपको बताते हुए चलें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह मुकाबला एक हाई वोल्टेज मैच भी होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों यहां पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम से वनडे सीरीज में हार का बदला लेना चाह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ हैं जो कि मैच को किसी भी हाल में जीतकर 1-0 से बढ़त हासिल करना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों, बात करें अगर मैच के बारे में तो आपको हम बताते हुए चलें कि यहां पर टीम इंडिया के लिए जीत इतनी आसान होगी नहीं, क्योंकि एक तरफ जहां ऑस्ट्रेलिया में ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, एलेक्स कैरी, मार्नस लाबुशेन जैसे महान बल्लेबाज मौजूद हैं, तो वहीं भारत में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव को मौका दिया गया है। और आप अभी भारतीय टीम के वनडे सीरीज में प्रदर्शन को देखकर तो यह अनुमान लगा ही सकते हैं कि भारत जीतेगा या फिर नहीं। बाकी अगर बात कर ले टीम के बारे में तो दोस्तों यहां पर जो भारतीय टीम में खिलाड़ी नजर आने वाले हैं उसमें कप्तानी तो रोहित शर्मा को ही थमाई गई है, तो वही शुभमन गिल टीम का हिस्सा है, विराट कोहली, केएल राहुल, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, रिंकू सिंह को मौका दिया गया है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम में ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, मार्नस लाबुशेन, एलेक्स कैरी, मार्कस स्टोइनिस, शीन एबॉट, एस्टन अगार, मिचेल स्टार्क, एडम जाम्पा खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में से पहला वनडे मुकाबला कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।